gentleman driving his car on his way to his hometown. शाम का समय था, गाड़ी चला रहे थे और अंधेरा होने लगा. अंधेरा जैसे ही हो रहा था तो उनको लगा कि गाड़ी वॉबल कर रही है. अरे गाड़ी वॉबल क्यों कर रही है, रात का समय है, कुछ दिक्कत तो नहीं है. सो ही स्टॉप्ड हिज कार एंड ही स्टार्टेड चेकिंग द कार. एंड व्हेन ही चेक्ड ही रियलाइज्ड दैट जो राइट का उनका टायर था, फ्रंट साइड का राइट टायर, उस टायर के जो है ना चारों नट गिर गए थे और वो गाड़ी कैसे भी चल रही थी. अरे बच गए यार, नहीं तो मैं तो एक्सीडेंट हो जाता. एंड नाउ ही डजंट हैव नट्स टू होल्ड दैट टायर. सो ही वॉक्स अराउंड अ विलेज एंड ही सेज यहां शायद कोई मैकेनिक मिल जाए. तो वो गांव तक जा रहे थे तो रास्ते में एक अपना जरवड़ा आया, मेंटल असाइलम आया. और उस असाइलम से बाहर जा रहे थे, उनको लगा शायद यहाँ पूछता हूँ, यहाँ पर कुछ हेल्प मिल जाए. बट देन ही सेज ये पागलखाना, यहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है. ही पास दैट एंड देन ही वेंट टू द विलेज. और मालूम पड़ा मैकेनिक छुट्टी पे है, रात हो गई है, घर चले गया है, अभी नाउ नो मोर हेल्प इज अवेलेबल. सो ही डिसाइडेड टू कम बैक एंड एटलीस्ट बी इन हिज कार एंड हेल्प टेक हेल्प फ्रॉम समबडी फ्रॉम द रोड. जब वापस आ रहे थे तो वापस वही पागलखाना आया. फिर इनके मन में आया कि चलो अंदर जाके पूछ तो लूँ, कोई वॉचमैन है, कोई तो वह इंसान होगा जो हेल्प करेगा. एज ही वेंट इनसाइड तो वहाँ का एक इनमेट इनको मिला और इनमेट ने अपने ही उस पागल में पूछा, पापा जी की गल है? तो कहते हैं कोई नहीं यार, इसको क्या बताऊँ, ये पागल आदमी, इसको क्या बताऊँ. तो वो कह रहे नहीं बताओ ना क्या बात है. जब उन्होंने देखा कि ये छोड़ नहीं रहा है मुझे, तो उन्होंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, मेरी गाड़ी के चार नट निकल गए और मुझे नट नहीं मिल रहे. कहे पापा जी इतनी सी गल है, बाकी तीन में से एक ही निकाल लो, लगा दो उसको, सब में तीन तीन आ जाएंगे. कहते यार इतनी सी बात समझ नहीं आई. तो वो बोलता है पापा जी इसके लिए पागल होना पड़ता है. अरे गेटिंग द होल आइडिया. सो वी गॉट टू बिकम मैड अबाउट समथिंग.